पर्यावरण प्रेमी आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वे स्वयं भी दिव्यांग होने के बावजूद सड़क किनारे लगाए गए पौधों को इस भीषण गर्मी में बचाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। यह कुमारी बिंदु ठाकुर और यह स्टेट टैक्स ऑफिस में कार्यरत है। इनका निवास छत्तीसगढ़ के भिलाई में सेक्टर 2 में है। जब अपने घर से अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए निकलती हैं, तो सेंट्रल एवेन्यू से गुजरते वक्त इन्हें काफी सुकून मिलता है, क्योंकि सेंट्रल इवनिंग के दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही इनका सफर तालपुरी रोड पर पहुंचता है तो यह मायूस हो जाती है, क्योंकि वहां अभी पौधे रोपे गए हैं। इन पेड़ पौधों के बड़े होने के बाद इस रोड पर भी सफर करने वालों को राहत मिलने के उद्देश्य से हर रोज शाम को यह अपनी स्कूटी गाड़ी पर पानी का बड़ा डब्बा लेकर निकल पड़ती है इन छोटे पौधों को पानी देने के लिए, ताकि यह पेड़ इस भीषण गर्मी में सूख कर खराब ना हो जाए। देखने वाली बात यह है कि यह खुद एक दिव्यांग है, और दिव्यांग होने के बावजूद इनका यह प्रकृति प्रेम काबिले तारीफ है। बिंदु ठाकुर को हो रही परेशानी के मद्देनजर इन्होंने यह कार्य किया है, और अन्य लोगों से गुजारिश भी करती हैं कि वह भी पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दें। दुर्ग भिलाई से संवाददाता राजेंद्र गाड़े के साथ सुनील सोनी की रिपोर्ट। आपका नाम बताएंगे मैडम? मेरा नाम कुमारी बिंदु ठाकुर। क्या करती हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, स्टेट टैक्स ऑफिस में हूँ। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि आप अपनी गाड़ी पे निकली हैं, आपने गाड़ी में एक डब्बा रखा है पानी का, और जो सार्वजनिक पेड़ रास्ते में लगे हुए हैं सभी में मैं देख रहा हूँ एक एक मग पानी डाल रही हैं। क्या सोचती हैं, क्या उद्देश्य है? यही कि जब मैं अपने सेंट्रल एवेन्यू से आती हूँ हमेशा, तो वहाँ हमेशा छांव रहता है, लेकिन इधर से जब जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा ऑफिस पहुँचते तक बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी से एकदम परेशान हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे जगह पर पेड़ लगाना चाहिए जहाँ पे मेरे साथ साथ सभी को छाया मिले। आज की अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो पेड़ पौधों को और वृक्षारोपण को कितना महत्व देती हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा देती हूँ, जितना हो सके उतना पेड़ लगाना चाहिए। बाकी और भी जो लोग हैं, क्या गुजारिश करेंगे जो लोग पेड़ों को काटा करते हैं जनरली? नहीं, अगर काटने जरूरी भी हो जाता है तो आप ये कोशिश करिए कि उसकी जगह पर दूसरा पेड़ कहीं पर, जब खाली जगह है और जहां आपका आना जाना हमेशा लगा रहता है, उस जगह पर आप कम से कम पेड़ लगाइए। कम से कम एक डिब्बा पानी लेके तो चल सके, और डालते हुए आप उस पेड़ को बड़ा कर सके। ये रहना चाहिए सबको। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.